तो हम लोग अभी हैं भरका बीच पे और सनराइज़ देखने आए हैं। एंड इधर का सनराइज़ का टाइमिंग जो है 7 o'clock है, आई थिंक इट्स नाउ 6:50 इन द मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों को कभी टाइम नहीं मिला या उठ सुबह इतना जल्दी उठ भी नहीं पाए कि सनराइज़ देख सकें, तो आज थोड़ा प्लान करके हम दोनों ही सिर्फ आए हैं। बाकी सब प्लान करके सो रहे हैं। अब इतना मस्त व्यू है यहाँ पर, इस तरफ समंदर पानी, उस तरफ जंगल एंड जंगल के ऊपर कोहरा। After enjoying the sunrise, then it was time for some shopping and also buying some fishes. You will get all kind of fishes at the roadside, and that too all size of fishes. हम लोग गोवा के पूरा लोकल बन गए हैं। इधर मछली भी मतलब कभी ऐसा साफ नहीं किए थे, क्लीन नहीं किए थे, वो भी करना सीख गए हैं हम लोग। बस मछली पकड़ना सीखना बाकी है, मतलब समंदर से कैसे पकड़ते हैं। तो अभी हम लोग ये सब खाना वाना बना रहे हैं अपार्टमेंट में, एंड 6 लोग के लिए खाना बन रहा है। अभी आज का मेन्यू में है एग फ्राई, मतलब सॉरी एग करी एंड फिश फ्राई। जो प्रॉपर्टी है ये एक सोसाइटी है, अपार्टमेंट्स हैं इधर। दिस अपार्टमेंट इज आल्सो प्रीटी गुड प्रॉपर्टी इफ़ यू आर ऑन ए बजट, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अच्छा ही है सब कुछ। थोड़ा थोड़ा चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं है, बट वो तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो, आपको होटल जैसी फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलने वाली। एंड अगर आपको थोड़ा अच्छे और अच्छे जगह पर रहना है, ये है स्टर्लिंग रिजॉर्ट। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम, आई थिंक सेम बिल्डर ने बनाया होगा जब बनाया होगा, बट ये है स्टर्लिंग रिजॉर्ट। जो अगर आपको रिजॉर्ट में रहना है तो आप इधर रुक सकते हो। और इसके पीछे मतलब जस्ट 100 meters भी नहीं होगा वो जूरी वाइट सैंड रिजॉर्ट वारका, तो वहाँ पर भी आप लोग रह सकते हो अगर आपको और भी अच्छी जगह पर रहना है। ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टर लंच वी यूज टू गो टू द बीच फॉर ए स्विम, और द डेज व्हेन वी डोंट cook our food by ourselves, we go to the beach shack and spend some time at the beach. लोग इधर ओरली में भरका बीच के पास रुके हुए हैं, एंड हमारे घर से मतलब रूम से जो बीच है वो आई थिंक 300 meters से 400 meters ऐसा कुछ डिस्टेंस होगा। और जब हम लोग आए थे हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कौन से बीच पे रुके हुए हैं। हम लोग बस ऐसे ही बुक कर लिया था booking.com से, एंड बस इतना देखा था कि मैप से कि हाँ कोई सी बीच है पास में, बट आने के बाद पता चला कि भरका बीच है। एंड इधर मेरे पीछे वो जो है वाला जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वो है जूरी का रिजॉर्ट। एंड तो हम लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि हर दिन दोपहर को जब टाइम मिल रहा है थोड़ा नहाने आ जा रहे हैं,
एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से रूम में जाकर आराम से अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं, सो दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ऑफिस वर्क. सम डेज वी टुक आवर टीम्स कॉल फ्रॉम द बीच एंड सम डेज व्हेन वी हैड टाइम वी वेंट बैक टू द बीच इन द आफ्टरनून टू एंजॉय द व्यूज. In the afternoon, you can witness the locals pulling out the fishing net and catching different kind of fishes. Squid, na? Yes, squid, na? Calamari or squid, it will. अभी तक हम लोग जितना भी बीच एक्सप्लोर किए हैं इस ट्रिप में, वर्का इज़ द बेस्ट वन एंड क्लीनेस्ट वन. मोबर भी गए थे, मोबर भी अच्छा था. ये मोबर, वर्का, कवलेशियम एक ही स्ट्रेच में है, बट वर्का थोड़ा ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ पर अभी कोविड की वजह से शायद बहुत ही कम टूरिस्ट हैं. तो वर्का में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अगर आप लोगों को पीसफुल हॉलीडे स्पेंड करनी है तो ये वाला स्ट्रेच पर आप रुक सकते हो, वर्का मोबर रुक सकते हो. एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियोज़.